तो दोस्तों सभी लोग अपने अपने काम में जरूर एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अपने काम को बड़े आसान से कर लेते हैं और उस काम को रोजाना करते करते उस काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं, उस काम को काफ़ी ज़्यादा जल्दी भी निपटा लेते हैं। चलो आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे लोग दिखाऊंगा जो अपने काम में इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए कि उसके काम को मशीन को भी पीछे छोड़ सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बस आज थोड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लेट्स गो स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी जरूर हो, उसे अपने पेरेंट्स को ऑटोग्राफ तो जरूर देना होता है। उसका पेरेंट्स उसे जिस चीज़ पर ऑटोग्राफ देने के लिए कहते हैं उसे उसमें देना पड़ता है, चाहे पोस्ट कार्ड हो, नैपकिन हो या फिर पेपर हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स पर भी ऑटोग्राफ मांग लेते हैं। लेकिन जरा इसे देखे सुमो रेसलर को, जो कि अपने पूरे पंजे का निशान को ऑटोग्राफ दे रहा है और दिन भर में इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज है कि हजारों कार्ड पर तो ऑटोग्राफ दिया गया। वाकई में इसका एक यूनिक तरीका है अपने पूरे पंजे का ऑटोग्राफ देने का। इस वीडियो को पहली बार देखने पर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा, ऐसा लग रहा है कि यह शख्स अपने हाथ में किसी चीज़ को लेकर बोतल के ढक्कनों पर मार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज है कि यह बोतल के ढक्कन को खोल रहा है, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है। वाकई में कमाल का है। लेकिन ज़रा देखें इन लोगों को जो इसके पास में खड़े हैं, शायद ऐसा काम को रोजाना कर रहा है इसलिए उन लोगों को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रहे हैं। वाकई में हमें तो इसे पहली बार देखने पर काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई थी। अगर आप देखोगे टॉयलेट पेपर कैसे बनाए जाते हैं तो आपने कभी नहीं देखा होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि टॉयलेट पेपर कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले एक बड़े टॉयलेट पेपर के रोल को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इनके काम की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैन लोगों के अंकित करने की स्पीड को देखो, कैसे एक शख्स एक पत्ता को फेंके जा रहा है, दूसरा शख्स उसे जल्दी जल्दी से काट कर बोरे में डाल रहा है। दोस्तों एलोवेरा एक कमाल का पौधा है जिसका उपयोग हम किसी भी मेडिसिन, कॉस्मेटिक और चेहरे को साफ करने के लिए कहते हैं, लेकिन अधिकतर इसका उपयोग अंदर वाले ट्रांसपेरेंट बाग के लिए किया जाता है। उस ट्रांसपेरेंट बाग को अलग करना कोई आसान बात नहीं है। जरा देखिए इसे वर्कर की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज है, जो मशीन को भी पीछे छोड़ सकता है।